हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट 2020। प्लीज रुक जाओ, अभी कितने हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज आप देने वाले मुझे पता नहीं, बट बस यार बस हो गया। अभी कल हमने न्यूज सुनी, कैप्टन कूल लेजेंड सर महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो चुके हैं और उन्हीं के साथ उनके बेस्ट मतलब जिगरी दोस्त सुरेश रैना, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर है सुरेश रैना, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। क्या फ्रेंडशिप है यार, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले ली इसीलिए सुरेश रैना ने भी ले लिए, तो बहुत शॉकिंग था। और शॉकिंग इस चीज़ के वजह से क्योंकि उनको हमने लास्ट मैच में देखा नहीं, फेयरवेल मैच कुछ हुआ नहीं उनके लिए और डायरेक्टली उन्होंने घर बैठे ही इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अलविदा कह रहे हैं सभी को, तो वो बुरा लग रहा है। पर जैसे ही क्रिकेट चालू हो जाएगा, जैसे ही स्टेडियम खचाखच भर जाएंगे, वैसे एक मैच तो महेंद्र सिंह धोनी सर आप खेलना चाहिए, प्लीज़ खेलना चाहिए, हमें देखना है एक लास्ट बार आपको। तो ये मेरी मतलब इच्छा है, ऑफकोर्स आप लोगों की भी रहेगी, अगर रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या कहा जाए यार, मतलब एक टाइम ऐसा था जहां पर उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को पीक पे लेके गए थे और सभी कप जीते थे हमने, सभी वर्ल्ड कप से लेके T20 वर्ल्ड कप से लेके जितने सारे टूर्नामेंट होते हैं वो सब इंडिया ने जीते थे सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी सर के वजह से और उनके टीम के वजह से। तो टीम को हैंडल करना, खुद के परफॉर्मेंस का प्रेशर ना लेना और पूरे इंडिया का प्रेशर ना लेना, ये चीज़ों में तो कैप्टन कूल बहुत ही माहिर हो चुके थे। बट एंड में उनको बहुत ट्रोल किया गया, न्यूजीलैंड के साथ वाला मैच तो याद करके भी ऐसे होता है कि यार ये क्या हो गया। खुद महेंद्र सिंह धोनी सर ने भी कहा है कि मैंने अगर डाइव मारी होती तो कुछ अलग हो सकता था। बट ठीक है यार, होते रहता है, गेम है, हार जीत तो होती ही रहेगी। ये बहुत शॉकिंग है यार, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि महेंद्र सिंह धोनी सर को अभी हम स्टंप के पीछे नहीं देखेंगे, विकेट कीपर के तौर पे, बैट्समैन के तौर पे और कभी कभी जो बॉलिंग करते थे वो नहीं हमें देखने को मिलेगा। और जो स्टंप के पीछे रह के जो कुछ वो प्लेयर्स के साथ बातें करते थे, बाहर के देशों में जब मैच होती तो हिंदी में बात करते थे जानबूझ के, कुछ भी बोल देते थे, वो सब हम मिस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग विकेट कीपिंग मिस करने वाले हैं, कुछ अलग ही लेवल के विकेट कीपिंग के कुछ हमने नज़ारे देखे हैं यार उनके टाइम में, वो हम मिस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो हम ट्रिब्यूट के तौर पर कर रहे हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने किया था सर जब वो बने थे, इंडियन आर्मी ने उनको नवाजा था और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने एक गाना गुनगुनाया था। तो उस गाने के ऊपर जो उन्होंने गुनगुनाया है उसके ऊपर हम गिटार बजाने वाले हैं वॉक बैंड में, और उसी के साथ उसके बाद ही हम पूरा एक वॉक बैंड का वर्जन देखेंगे उसी पुराने गाने का, सुपर हिट गाने का, जो उनका भी फेवरेट गाना है। तो आज ट्रिब्यूट के तौर पे करने वाले, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगे वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर देना यार। 40,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं अभी ट्यूटोरियल करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर दिया, दो तीन वीडियो लास्ट में मैंने सभी वीडियो में बता दिया कि जब 40,000 हो जाएंगे उसके बाद हम ट्यूटोरियल फिर से लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है यार, मतलब सब्सक्राइबर्स काउंट थोड़ा सा कम हो गया है अपना। बहुत दुख नहीं है मुझे उस बात का, बट डेफिनेटली दुख तो है क्योंकि मेहनत कर रहा हूं, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली सपोर्ट कर देना। अभी डायरेक्टली आज का वीडियो शुरू करते हैं, ट्रिब्यूट टू लेजेंड कैप्टन कूल सर महेंद्र सिंह धोनी। मैं गाना नहीं गाऊंगा, बेसिकली मैं गाना गुनगुना दूंगा। किशोर कुमार मेरे फेवरेट हैं, बट ये गाना मुकेश जी का है और मैं पल दो पल का शायर हूँ एंड बहुत रेलिवेंट भी है। अगर आप मेरे स्पोर्ट को देखें तो इसकी जो लाइन है इसमें बोला जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन और सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दो। मुझे पता है बहुत लोग कहोगे कि भाई वॉक बैंड ट्यूटोरियल चाहिए हमें, वो आने वाले हैं गाइस। आपके दोस्तों को कहना सब्सक्राइब करने को, दोस्तों के दोस्तों को कहना सब्सक्राइब करने को, उनके दोस्तों को, उनके मम्मी पापा को, सबको भेज दो वीडियो, उनको बोल देना सब्सक्राइब करने को और चैनल को सपोर्ट बढ़ा दो यार। मतलब ऐसा सपोर्ट करो ना कि बुलेट पे अपन चौड़ में चलेंगे। जब अपने 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक बुलेट पे ऐसा गाते हुए एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। बट आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को, ट्रिब्यूट के तौर पे बनाया हमने। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर महेंद्र सिंह धोनी का, इसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को, ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एज ऑलवेज गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड सेम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।